मूल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेऊ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। राग खंबात भजन सत्य अजब आराम जी लीला। दिसो छा छा बनाए तो अजब आराम जी लीला। दिसो छा छा बनाए तो बंदे Yeah.
राग खंबात भजन सात अजब आ राम जी लीला दिसो छा बनाए तो बंदे जे ख्याल में हिकड़ी प्रभु पिण भी पसाए तो ठीक खंबात राग के इस भजन में परम श्रद्धे आचार्य सदगुरु स्वामी टेमराम जी महाराज सदुपदेश दे रहे हैं कि परमात्मा की लीला आश्चर्यजनक है, विचित्र है। दिसो छा बनाए तो नए नए खेल दिखाती है, जो कभी सोची बातें नहीं वो बातें प्रत्यक्ष सामने आ जाती है। बंदे जे ख्याल में हिकड़ी प्रभु पिण भी पसाए तो मनुष्य एक प्रकार से सोचता है कि ये करूंगा ऐसा होगा, लेकिन परमात्मा उसको बदल देते हैं, नई नई बातें सामने आती हैं। बलिया राजा ये चाहो वठा मां राज देवन खां। बलि राजा का इतिहास है कि 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र की पदवी प्राप्त करने की आकांक्षा उनके मन में थी, लेकिन उल्टा हो गया। बड़े पाताल जो वाली कर्म उल्टा कराए थो। बलि ने स्वर्ग का ऊपर का राज्य प्राप्त करना चाहा, लेकिन उसको नीचे पाताल में भेज दिया गया। ऐसा ही उसके द्वारा कर्म हुआ। 3 पग वामन भगवान ने मांगे, उन्होंने प्रण किया और उसको पाताल लोक का राज्य मिला। हुई मन आस दशरथ जे तख्त मां राम खे दींदस। दशरथ के मन में इच्छा थी कि भगवान श्री राम उनको युवराज की पदवी देके मैं सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन उल्टा हो गया। मिले बनवास रघुवर के रंग उल्टा रचाए थो। 14 वर्ष का वनवास श्री राम भगवान को मिला, उल्टी बात हो गई, जो उन्होंने कभी सोची नहीं थी राजा दशरथ ने, वो बातें सामने आ गई। इच्छा कई कौर वन मन में कंदा सिंह राज भारत जो सजो कुल नास थियो तिन जो नवा नाटक नचाए थो। कौरव के मन में इच्छा थी कि हम भारत का राज्य करेंगे सम्राट बन के, लेकिन उल्टी बात हो गई। समूल उनका कुल नाश हो गया, सभी कौरव नाश हो गए। नवा नाटक नचाए थो, नई प्रकार की भगवान की उस लीला को उन्होंने देखा, जो सोचा था एक और हुआ कुछ दूसरा। कहे टे हूं बणे साई वणे भगवान के जाती, सुखी सो थे जगत में जो बणिया सा मन मिलाए थो। गुरु महाराज जी भजन की अंतिम पंक्ति में फरमा रहे हैं कि जो परमात्मा को भाती है, जो उनके मन की है, वही होती है। वो वह सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बड़ा वह शाखा। जो उन्होंने सोचा है, जो वो चाहते हैं, वही होगा। मनुष्य के चाहने से कुछ भी होने वाला नहीं। और जो विवेकी ज्ञानवान पुरुष है, वो अपने मन को उस ईश्वर की बनाई हुई लीला में प्रसन्न रखता है। सुखी सो नर जगत में जो बढ़िया सा मन मिलाए थो। तो इस भजन में गुरु महाराज जी सतुपदेश सत शिक्षा देकर जिज्ञासु को सावधान करते हैं कि अपने मन की ज्यादा मत चलाओ, जो परमात्मा चाहेंगे ईश्वर करेंगे उसी में तुम्हारा भला है और उसी में तुम हमेशा प्रसन्न रहो। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी।
भरल जह में भावजी रसवा रूहानी वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आपका अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतर दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दोहावली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ
इस श्रृंखला में किया जा रहा है, तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं, तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।